कुछ गोदी मीडिया के लोग इस तरह का अफवाह चलाते हैं कि तेजस्वी ने एनडीए के लिए वोट मांगा। उनके दिमाग में गोबर है, कुछ भी चला देते हैं व्यू के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग लड़ रहे हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बीजेपी का ताबड़तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं, टीटीएम बने हुए हैं। यही गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुन्द्र के अंदर चले जाएंगे तो बोलेगा देखो क्या मोदी जी कितना गजब का प्रधानमंत्री है। फाइटर प्लेन में बैठ जाएंगे तो मोदी जी प्लेन उड़ा रहे हैं। मोदी जी गुफा में चले जाएंगे तो बड़का संत हो गए रे भाई। ये हालत हो गई मीडिया की। मुद्दा क्या है? गरीबी के बारे में दिखाओ, किसान के आंदोलन के बारे में दिखाओ, महंगाई दिखाओ, देश की अर्थव्यवस्था दिखाओ। कितने लोग बेरोजगार है जरा हाथ उठा करके बताओ। ये नहीं दिखाएगा लोग, मोदी जी आम कैसे खाते हैं यही दिखाएगा इन लोग। बेरोजगार देश में कितना है ये नहीं दिखाएगा। मोदी जी से पूछा जाएगा, मोदी जी आप आम कैसे कटते हैं, खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूसते हैं? ऐसा सवाल होता है इन मीडिया के लोगों का। ये हालत हो गई है। मोदी जी से पूछो ना, माइक लगा के हिम्मत है तो। मोदी जी आप आए थे 14 में, बोले थे 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, कितना के दिए? यही ना पूछना चाहिए। मोदी जी आप कहते थे महंगाई डायल है, क्या अब आपकी महबूबा हो गई है? ये पूछते। मोदी जी आप कहते थे 22 तक गरीबी खत्म कर देंगे, ये क्यों नहीं पूछते भाई? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।